क्रिकेट के किसी T20 मुकाबले में अगर कोई बल्लेबाज सेंचुरी जड़ दे तो इसको काफी बड़ी बात माना जाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक बल्लेबाज ऐसा भी है जिसने एक T20 मुकाबले में महज सेंचुरी ही नहीं बल्कि ट्रिपल सेंचुरी ठोक दी है तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा एक बल्लेबाज है, वो भी हमारे ही देश में। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के क्रिकेटर मोहित अहलावत ने T20 मैच में सिर्फ 72 गेंद में 39 छक्कों की मदद से नाबाद 300 रनों की पारी खेलकर सनसनी फैला दी है। दिल्ली के लिए 3 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले 21 साल के मोहित अहलावत मावी 11 की ओर से फ्रेंड्स प्रीमियर लीग में फ्रेंड्स 11 के खिलाफ खेल रहे थे। इस पारी से अहलावत की नज़र अब बड़े मंच पर अपना जलवा बिखेरने की है। मोहित ने ये पारी उस समय खेली है जब IPL 10 के लिए नीलामी होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में उन्हें खरीदने को लेकर IPL टीम के मालिकों के बीच होड़ लग सकती है। अपनी इस अद्भुत पारी में अहलावत ने 14 चौके भी जड़े जिससे उनकी टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 446 रन बनाए और मैच 216 रनों से जीता। मोहित ने IPL नीलामी के लिए अपना नाम भी भेजा है। मोहित ने कहा कि मैंने IPL 10 की नीलामी के लिए अपना नाम भेजा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी ये पारी IPL नीलामी में टीम ओनर्स का मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करा पाएगी या नहीं। मैं IPL में अपनी प्रतिभा को दिखाने का इंतजार कर रहा हूँ। आपको बता दें कि क्रिकेट लीग में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम है। उन्होंने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से 175 रन बनाए थे। मोहित दिल्ली की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में अभ्यास करते हैं। इस एकेडमी से गौतम गंभीर और अमित मिश्रा जैसे बड़े खिलाड़ी निकले हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक रनों का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच के नाम है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 63 गेंदों पर 156 रन बनाए थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।